स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में श्री कृष्ण कृपा धाम सेक्टर 9 करनाल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने पहुंचकर रक्तदान किया। इस रक्तदान में करनाल के मेयर रेणुबाला गुप्ता एवं मुख्यमंत्री के करनाल प्रतिनिधि संजय भटला ने पहुंचकर रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। यह रक्तदान थैलेसीमिया से पीड़ित मरीजों के लिए लगाया गया है। गौरतलब है कि थैलेसीमिया से पीड़ित मरीजों को ज्यादा रक्त की जरूरत पड़ती है और उनको समय समय पर रक्त चढ़ाया जाता है। वहीं इस दौरान मेयर ने कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है, इसलिए सबको बढ़ चढ़कर रक्तदान करना चाहिए। इस अवसर पर रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से MC धीमान ने बताया कि रक्तदान करने से शरीर में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं आती, बल्कि जब व्यक्ति रक्तदान करने आता है तो उसके कई प्रकार के चेकअप किए जाते हैं जो निशुल्क होते हैं, जिसकी जांच करने से मनुष्य को अपनी बीमारियों के बारे में भी स्वास्थ्य जांच प्राप्त होती है। इस मौके पर श्री कृष्ण कृपा युवा मंच की ओर से राजेंद्र मदान, रामा एवं अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। उनका अच्छा स्वास्थ्य इसी प्रकार बना रहे, उनका आशीर्वाद से सारा समाज इस वैश्विक महामारी के दौरान में, एक संघर्ष की स्थिति के दौरान में, आज सभी जुड़कर एक दूसरे का सहयोग करते हुए इस तरह की, चाहे कोई भी किसी की मानव की सेवा है, चाहे हमें समाज की सेवा है, उसे डट कर करना है। और मुझे भी अवसर मिला आज यहाँ पर इस ब्लड डोनेशन कैंप में, हमारे संजय बटला जी, हमारे वीर विक्रम जी, हमारे रामा मदान जी, समस्त कृष्ण कृपा परिवार के सभी भाई बंधु यहाँ पर हर तरह से सेवा करने के लिए तैयार हैं। मैं सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम पहले भी जो ज्ञानानंद जी महाराज जब आए थे तो सेवा समिति आश्रम में भी थैलेसीमिया के पीड़ित बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया था। इससे पहले भी सामाजिक सेवाएं बहुत की जा रही हैं। तो एक क्या कुछ रक्तदाताओं को क्या आह्वान करना चाहेंगे? मैं रक्तदाताओं का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और उन्हें साधुवाद देती हूँ कि इस वैश्विक महामारी में आपने अपनी भावना से, आपने जन सेवा की भावना से आज यहाँ पर रक्तदान किया। आप जानते हैं कि कहीं से कुछ भी खरीदा जा सकता है, पर अपने जो मानव शरीर में यदि रक्त की आवश्यकता है, हमारे किसी पीड़ित को, हमारे थैलेसीमिया के पीड़ित है या अन्य किसी पीड़ित व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता है, तो वो मैं मानव ही पूरी कर सकता है। और इस वैश्विक महामारी के दौरान में आप लोगों ने इस सेवा भाव से आज यहाँ रक्तदान शिविर लगाया और सभी यहाँ पर युवा है, चाहे हमारे कृष्ण कृपा धाम से हैं, हर तरह से सामाजिक व्यक्ति यहाँ जुड़कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। मैं सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैलेसीमिया पेशेंट के लिए आज हमारे जो कृष्ण कृपा मंच हैं, उनके द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। और वैसे तो ये समय समय पे थैलेसीमिया पेशेंट के लिए रक्तदान शिविर लगाते रहे हैं। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से हम तो करनाल की जनता के आभारी हैं कि यदि समय पे ब्लड मिलेगा लोगों को, यदि ब्लड बैंक में ब्लड होगा, और ऐसे ही यदि समाजसेवी संस्थाएं आगे आती रहीं तो ब्लड की कमी ब्लड बैंक में नहीं होगी, लाइफ बचेगी। और ब्लड डोनेट करने से 1% भी वीकनेस नहीं आती है। मेरी सबसे प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएं और लॉकडाउन में ब्लड डोनेट करें, ताकि ब्लड की कमी के कारण से किसी आदमी की जान ना जाए। यदि ये पूरा संदेश लोग समझते हैं, आगे भी आ रहे हैं, यदि और ज़्यादा आएंगे तो फिर ब्लड की कमी नहीं होगी। मेरी सबसे प्रार्थना है, अपील भी है रेड क्रॉस की तरफ से, कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ जो स्वस्थ हैं, निरोग हैं, कोई दवाई नहीं खा रहे हैं, किसी प्रकार का नशा नहीं करते हैं, वो लोग आगे आएं, ब्लड डोनेट करें। उनकी हेल्थ अच्छी होगी, सर्कुलेशन अच्छा होगा, हार्ट अटैक नहीं होगा, और इससे 5-6 टेस्ट जो हैं वो फ्री हो जाते हैं। वो टेस्ट हजारों रुपए के हैं, उस आदमी के फ्री हो जाते हैं टेस्ट। तो ब्लड डोनेट करने से लाभ है, कोई नुकसान नहीं है। स्वामी ज्ञानानंद जी के आज जन्म दिवस पर सभी भारतवासियों को, करनाल वासियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आज स्वामी जी के जन्म दिवस पर पूरे हरियाणा प्रांत के सभी जिलों में लगभग
ब्लड डोनेशन का कैंप लगा हुआ है। ये जो रक्तदान शिविर है थैलेसीमिया के बच्चों के लिए प्रत्येक वर्ष स्वामी जी के जन्मदिन पर किया जाता है। पिछले 26 वर्षों से ऐसी परंपरा करनाल में बनी हुई है। प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना है कि स्वामी जी के जन्म दिवस पर उनको लंबी आयु दे, ताकि उनका आशीर्वाद हमारे करनाल और भारत पर वासियों पर बना रहे। आज इस कोरोना की महामारी में प्रधानमंत्री जी ने जैसे आह्वान किया, जैसे जैसे कहा, हम उस लड़ाई से उनके दिए हुए दिशा निर्देश से लड़ रहे हैं और हम संत महात्माओं के आशीर्वाद से जरूर इस पे विजय प्राप्त करेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise।